वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली एंड रेगुलरली ऑन टाइम। सो बेटा, एज यू नो अवर लेसन नंबर 2 इज गोइंग ऑन, विच इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स, राइट बेटा? इन दिस लेसन वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द बुक एक्सरसाइज, राइट बेटा? एंड ऑल्सो डन द माई क्रिएटिव पेज एंड द न्यू वर्ड्स एंड द इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स। और आप सभी तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे को लगता है आप सभी ने ये काम अपना फिनिश कर लिया होगा। सो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, ओके बेटा? सो वी विल डू द पार्ट डी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, व्हाट आर द अडेप्टेशन फाउंड इन हिली प्लांट्स? सो बेटा, हमें ये बताना है कि जो प्लांट हमें हिल या माउंटेन पे मिलते हैं, हाउ डू दे अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द हिल्स एंड द माउंटेन्स, राइट? सो बेटा एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट दैट इज फाउंड इन द हिली एरिया। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ पाइन ट्री। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, दिस प्लांट इज हैविंग अ शॉर्टर स्टेम्स, राइट बेटा? इसकी स्टेम्स कैसी हैं? छोटी छोटी हैं, राइट? और छोटी छोटी क्यों है? वाई द स्टेम्स आर शॉर्टर बेटा? बेटा, द स्टेम्स आर शॉर्टर इन दिस प्लांट बिकॉज इट वॉन्ट टू अवॉइड द हार्श विंड टू नॉट गेट नॉक्ड डाउन। बिकॉज अगर इसकी छोटी छोटी स्टेम्स नहीं होंगी, बड़ी बड़ी स्टेम्स होंगी, तो जो हिली एरिया है बेटा, वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं। सो क्या होगा, ये प्लांट टूटकर नीचे गिर जाएगा। सो दैट इज़ वाई द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन द हिली एरिया, दे हैव शॉर्टर स्टेम टू अवॉइड द हार्श विंड्स। नेक्स्ट बेटा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, दे हैव निडल लाइक लीव्स। दिस इज द क्लोजर पिक्चर ऑफ द प्लांट दैट इज प्रेजेंट इन द हिली एरिया। सी द लीव्स, हाउ आर द लीव्स? सो बेटा, द लीव्स आर निडल लाइक। और इन प्लांट्स में नेक्स्ट क्या खास होता है? दे बियर बेटा कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर, ठीक है? सो दीज आर द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट दैट आर इन द हिली एरिया। सो कौन कौन से फीचर्स हुए बेटा? दे हैव शॉर्टर स्टेम टू अवॉइड द हार्श विंड, राइट? दे हैव निडल लाइक लीव्स एंड दे बियर कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर। इनका एग्जाम्पल क्या होगा? शिडार, स्प्रूस एंड फर। सिडार, स्प्रूस एंड फर आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन द हिली एरिया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन प्लेन्स? नाउ वी हैव टू टेल द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लेन्स, हाउ डू दे अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्लेन एरिया। सो बेटा, प्लांट्स प्रेजेंट इन द प्लेन एरिया like peepal tree, as you can see in this picture, this is the picture of the peepal tree, this is the picture of peepal tree beta. So iske alawa mango, banyan, sal, teak, ye bhi hame dekhne ko mil jate hain in the plain area. So as you can see beta, they have lots of branches, they are big trees with many branches, and beta these plants have broad leaves, big and broad leaves. As you can see, these are the leaves of the peepal plant. They are big and broad, and this feature beta help them in losing excess of water through the stomata to keep them cool during the summer season. And beta, these plants shed their leaves in the winter and grow new leaves in the spring season. So these are the features that are present in the plants that grow in the plain area. So what are the features beta? The big trees in plain like peepal, mango have many branches, their leaves are big and broad. These trees shed their leaves in winter and grow new leaves in the spring. These are the features of the plants growing in plains, okay beta? Next is question number 3, that how a desert plant adapt to their surrounding. So beta, we have to tell in this question, how do the plants in the desert area adapt themselves? So beta, plants present in the desert area, as you can see in this picture, these are the different plants that are present in the deserty area. So beta, they store food in their stems. Aapko yahan par bahut kam paudhon par leaves dikhai dengi, they have only stems. So
They store water in their stems. They have short and spiny leaves reduced to the लॉस ऑफ वाटर. बेटा दे हैव शॉर्ट, मतलब देखो इनकी छोटी छोटी स्पाइनी लीव्स हैं ताकि ये रिड्यूस कर सकें अपने अंदर वाटर लॉस को. बिकॉज वी ऑल नो दैट इन द डेजर्टी एरिया देयर इज ऑलरेडी वेरी लेस वाटर, सो दे हैव टू स्टोर एज मच वाटर एज दे कैन. सो दैट इज वाई दे हैव शॉर्ट एंड स्पाइनी लीव्स टू रिड्यूस द वाटर लीव्स. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर स्टेम इज वेरी शॉर्ट एंड स्पाइनी. They have long root system, beta, that goes deep into the ground to absorb the water. And they have waxy coating on the leaves and the stem to reduce the water loss. They also have slow growth, beta, so they have not to make much food and therefore require only small amount of water. As you can see in this picture, beta, these are the different type of cactus that we can see in the deserty area. Okay, beta? So what are the features? They store water in their stems. They have short and spiny leaves to reduce loss of water. They have long root system. They have a waxy coating on the leaves and the stem. So beta, today we will do only these three question answers. Write these three question answers in your fair notebook in very good handwriting. Okay, till then, bye bye. टेक केयर और अपना ख्याल रखो.